दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह से ही मैंने ठाकुर जी को नहला दिए हैं। आज जन्माष्टमी है और उन्हें जो कल बनाई थी ड्रेस वो नई ड्रेस पहना दी है और मैं किचन के कामों में लग गई हूँ। आज खाना तो बनाना नहीं था तो थोड़ी सफाई करने लगी, फैल रही थी किचन। सुबह बेटा चला गया है अपने कोचिंग में तो उसको टिफ़िन में मैंने मखाने तल के दे दिए थे। थोड़ी सी किचन फैल रही थी तो मैंने कहा चलो आज किचन को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं किचन को सुबह की किचन को साफ नहीं करती हूँ तो दूसरा काम शुरू नहीं कर पाती हूँ। तो मैं किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ और देख रही हूँ, मुझे डाउट है दाल है या नहीं। उड़द की दाल के मुझे दही बड़े बनाने हैं तो मैं देख रही हूँ, अगर दाल है तो मैं उसको भिगो देती हूँ और नहीं है तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी बनाने का। लेकिन दाल मुझे मिल गई तो जो एक्स्ट्रा दाल वगैरह होती है वो मैं इस डब्बे में रख देती हूँ। ये मुझे साबूदाने के पापड़ भी मिल गए तलने के लिए, तो बस दाल मिल गई मुझे उड़द की दाल और मैं अब इसको भिगो दूंगी, पानी में भिगो दूंगी और फिर कोई 5-6 बजे के आसपास बनाऊंगी इसको। तो अभी भिगोंगी तो ये अच्छे से भीग जाएगी और बाकी का काम जो मेरा रात को मैंने बर्तन साफ़ किए थे तो वो जमाने हैं, मुझे सेट करने हैं बर्तनों को, तो उनको सेट कर दूंगी। थोड़ी किचन की सफाई करूंगी। थोड़ी बहुत फैली हुई किचन में मुझसे काम नहीं होता, मेरी आदत ऐसी ही है, तो रात को बर्तन साफ़ किए हैं वो मैं इनको अपनी जगह पर रख रही हूँ और बाकी जो थोड़ी बहुत चाय के बर्तन है वो भी साफ़ करूँगी, उसके बाद कोई काम शुरू करूँगी। बाकी काम तो रहता ही है दिन भर, व्रत कर लो चाहे, पर कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो मेरे दिन का मुझे पता ही नहीं लगा, नहीं तो जन्माष्टमी के दिन नहीं निकलता है। तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं, तो उसी चक्कर में बस काम होता रहा और दिन भी निकलता रहा। तो चाय के बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। इनको भी मैं जमा दूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है पहले सारा बर्तन अपनी जगह पर रख देती हूँ तो उसके बाद ही मुझसे काम होता है। तो मैं इसको थोड़ी सी किचन को फिर साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा भी पानी वानी होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने किचन साफ़ कर दी है, अब एक बार अच्छी तरह से पोंछ दी सारी और उसके बाद मैं अब दूसरा काम शुरू करूँगी। ये साबूदाने हैं जो मैं भिगो रही हूँ गर्म पानी में, इसको 5 बजे के लगभग बनाऊँगी। कुछ मखाने हैं जो मैं तल लूँगी, थोड़ा नाश्ता मैं और मेरे हस्बैंड कर लेंगे, तो दही की लस्सी बनाऊँगी और मखाने भून लूँगी घी में और लस्सी बना के, और हम लोग थोड़ा सा ही लेंगे। ज़्यादा दिन भर हम खाते नहीं हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि सारा दिन खाने वालों से मतलब नहीं है खाने से, क्योंकि फिर व्रत का क्या मतलब। तो थोड़े से मखाने हमने खाए लस्सी के साथ और अब तक 2 बज चुकी थी नाश्ता करते करते। उसके बाद 4 बजे मुझे चाय बनानी थी, बेटा आ चुका था और उसको वापस जाना था तो मैंने फटाफट चाय बनाई। तो बस 4:30 बज रही हैं और चाय मेरी बन चुकी है और इसके बाद मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि 5 बजे तक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि खा लेना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। तो मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, घी में मैंने हरी मिर्च तल ली, सेक लिए मतलब भून ली है और जीरा डाल दिया है और इनको पसंद नहीं है और भी कुछ इसमें डालना, नहीं तो आलू भी भून के डाल सकते हैं हम, मूँगफली भी डाल सकते हैं। तो सेंधा नमक डाला है मैंने इसमें और बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे थोड़े से साबूदाने तो फिर इसकी खिचड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो बस 5:30 के लगभग हो गया है टाइम और अब हमने साबूदाने की खिचड़ी खाई है दोनों ने
और अब मैं दही बड़े की तैयारी करूँगी। पहले बस खाने में लग जा बनाने में लग जाऊँगी किचन में। तो मुझे क्योंकि जन्माष्टमी भी सजानी है, तो दाल मेरी भीग चुकी है, दाल को मैं पीस रही हूँ और उसके बाद मैं दही बड़े बनाऊँगी और मखाने की खीर भी बनाऊँगी। ठाकुर जी के चढ़ती है खीर प्रसाद में, तो ये मखाने सेक रही हूँ मैं घी में और दूध में डाल दूँगी और चीनी डाल के इलायची डाल के इसकी खीर बन जाएगी। दाल में मैं मीठा सोडा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा वो डाल रही हूँ, उससे दही बड़े बहुत नरम बनते हैं। तो वो डाल के मैं थोड़ा सा इसको फेंट लूँगी दाल को, उसके बाद ये दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल हल्के नरम बनते हैं। तो मेरा खाना बन चुका है, 6:30 के करीब टाइम हो गया है, पूरी भी बन गई है, सब्जी बन गई है, दही बड़े बन गए हैं, खीर बन चुकी है मेरी, तो खाना सारा बन गया है। पंजीरी मैंने कल ही बना ली थी तो आप लोगों ने देखी होगी। तो अब मैंने जन्माष्टमी सजाई है, तो ऐसे करते करते टाइम हो चुका है, लगभग 10 बज चुके हैं। तो मैंने जन्माष्टमी थोड़ी सजाई, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर आप। और रात के अब हमने प्रसाद सारा लगा दिया है मैंने खाने का, इस प्रसाद को हम खा लेंगे। और अब बस 12 बजने के बाद ये मेरे हस्बैंड ठाकुर जी को नहला रहे हैं, 12 बज चुकी है, पंचामृत से ठाकुर जी को नहलाया है। 5 चीज़ें होती हैं इसमें, घी दूध दही शहद चीनी और तुलसी। तो पंचामृत से ठाकुर जी को नहला दिया है और इन्हें वापस श्रृंगार करके बैठा दिया है। तो देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू और जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ आप सबको।